हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, आजकल गांव में, हमारे गांव में जो घास होता है जंगलों में, वो खुल चुका है। तो मम्मी लोग सब जा रखे हैं वहाँ घास लेने के लिए। और अभी मैं भी घर से निकल चुका हूँ, क्योंकि रास्ते तक जाऊँगा। आधे रास्ते से मम्मी का जो भी घास है उसको आधा आधा करके दोनों साथ में ले आएंगे। और काफ़ी सारे लोग जा रखे हैं, लगभग पूरा गांव हमारा आज जा रखा है गांव के लिए। तो ये एक स्पेशल दिन होता है, जैसे आज मकर संक्रांति है। और तो संक्रांति के दिन जो होता है हमारे गांव में, घास खुलता है और सारे लोग जा रखे हैं। तो दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग घास लाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पे जो घास है वो ला चुके हैं, और इसको बोलते हैं ऊला या उयरना इसको बोलते हैं। और यहाँ पे दीदी लोग सभी मतलब जंगल जा रखे थे, और जंगल से घास टेके यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब दिखाऊंगा मैं आगे किस प्रकार से, मतलब हमारे यहाँ के आप देख रहे होंगे कि पूरे गांव के जो सरपंच होते हैं वो इस दिन का इंतज़ार करते हैं, और इस दिन पे सभी लोग साथ में मिलकर जो घास होता है उसको लाते हैं। और अभी यहाँ पे मौसी आ चुकी हैं, तो चलो चलते हैं आगे। माँ कभी तो माँ कभी देखी ना। अच्छा, कौन सी जा जब गुरु बाबी हैं। हाँ, माँ कभी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े भारे लेके और सुबह चले जाते हैं, और सीधे लगभग 9-10 बजे घर पहुंचते हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल जो पहाड़ों की लाइफ होती है, और जो पहाड़ों की नारी शक्ति होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है हर चीज़ में। चाहे काम करने हो या किसी भी चीज़ में हम बोलें, तो बहुत ही ज़्यादा नारी शक्ति अपने पहाड़ों में अपना योगदान देती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े भारे लेके जो हमारे गांव की महिलाएं हैं वो ला रही हैं। तो चलो चलते हैं आगे। अरुण, तो पवन भाई भी हमारे फिलहाल यहां पे पहुंच चुके हैं आराम से। एक ना तो लगभग आधी दूरी यहाँ पे सब ने तय कर ली है, और आधी दूरी के बाद यहाँ पे आधे रास्ते तक सब लोग आ गए हैं। और यहाँ पे थोड़ा इन्होंने बिछा रखा है, जो घास है उसको बिछा रखा है। बाकी वेट करते हैं मम्मी जी का। तो चलो चलते हैं आगे। और देख सकते हो आप इतने बड़े बड़े भारे लेके आ रहे हैं, और इसको पीठ में ले जाना मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए हमारे पहाड़ों की जो नारी शक्ति होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। आप देख सकते, ये भारी जो लग रही है ये मेरे लिए, और यहाँ पे मम्मी के लिए थोड़ा दे रहा हूँ मैं, और इसको ले जाऊँगा अब घर, क्योंकि ये नीचे से बहुत दूर हो गया है। तो कम से कम हाफ अगर यहाँ पे, मतलब ये आधा होगा, थोड़ा नज़दीक, और इससे जैसे थोड़ा लगाऊँगा मैं और थोड़ा मम्मी ले जाएगी, तो ले जाने में आसानी होगी। तब मतलब पहाड़ों में लाइफ स्टाइल पहाड़ों की जो होती है वो बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से लोग, और हमारे सभी गांव के लोग किस प्रकार से जो घास है उसको नीचे पहाड़े से ऊपर ला रहे हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना घास रखा हुआ है। पीछे से मम्मी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर मैं और भाई लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो कुछ लोग आप देख रहे हो घर चले गए हैं, और कुछ लोग अभी भी घास को ला रहे हैं, और कुछ लोग आने बाकी हैं अभी, और आराम आराम से ऊपर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा थकान लग चुकी है, और इसके बाद अब यहाँ से जाने के बाद ये करेंगे नाश्ता, जो भी रोटी वगैरह होंगी वो खाएंगे, और फिर घर के काम काज में लग जाएंगे। सामने की जो पहाड़ी दिख रही है यहाँ से, और ये यहाँ पे जो सामने वाला जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ से, और इन दोनों जगह से इस घास को लाते हैं काट के, और यहाँ से फिर इस चढ़ाई को चढ़ के ये यहाँ पे आधे रास्ते तक हम पहुँच चुके हैं। और उसके बाद यहाँ सामने पर हमारा गाँव खोड़, और वहाँ जाना है अभी। तो लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं सारे, और इसके बाद ऊपर जाएंगे। और भाई की थोड़ा जो भारी है वो थोड़ा ख़राब हो चुकी है, जिसको भाभी जी ठीक कर रही हैं। तो फाइनली आधे रास्ते से मैं घर पहुंच चुका हूं, और मम्मी जो घास है उसको ऊपर पे रख रहे हैं। और ये सर्दियों में गाय भैंसों के काम आता है, क्योंकि अभी हरा होता है, और जैसे इसको सुखाते हैं, जैसे यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ में बाहर जाने के लिए नहीं होता है, तो उस टाइम पर ये घास हमारा रिजर्व के लिए रखा रहता है, बाद में काम आता है।